कई बार हमें आश्चर्य होता है कि हम जब नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान किसी व्यक्ति के पास लेकर आते हैं और इतना बढ़िया प्लान खोने को कुछ भी नहीं है, फिर भी व्यक्ति के समझ में क्यों नहीं आता। तो आज मैं आपको वही कारण बताने जा रहा हूं कि क्या आखिर कारण है कि अधिकतर लोगों की ये इंडस्ट्री तुरंत समझ में नहीं आती, क्यों हमें बहुत पेशेंस के साथ, बहुत धैर्य के साथ उनका फॉलोअप करना पड़ता है और उनके मन में उठ रहे सवालों का जवाब देना पड़ता है, तब जाकर वो इस इंडस्ट्री में आते हैं और इस इंडस्ट्री को सीखते हुए वो भी कामयाब हो जाते हैं। तो क्या कारण है, एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपके बीच में ये बातें शेयर करूंगा। किसी राज्य में एक राजा, बड़ा आतरताई राजा था, बड़ा वो लोगों पर अत्याचार करता था, लोगों पर बड़ा वो जुल्म ढाता था, किसी को भी जेल में डाल देता था और उसको बाहर निकालता ही नहीं था, वो व्यक्ति की मृत्यु वही जेल में हो जाती थी और उसके पूरे परिवार को भी कई बार वो जेल में डाल देता। तो ऐसे ही एक बार एक पूरे परिवार को उस राजा ने उठाकर जेल में डाल दिया। तो उस परिवार के जो बुजुर्ग थे, यानी जो पिता थी, उस पर बच्चों, तीन बच्चे थे, मम्मी पापा थे, तो मम्मी पापा दोनों की मृत्यु तो धीरे धीरे समय के साथ साथ उसी जेल के अंदर हो गई। वो तीनों बच्चे अब जवान हो गए, तीनों बच्चे अब काफी बड़े बड़े हो गए, 35 साल की उम्र हो गई, एक की 40 साल की उम्र हो गई, तो बड़े बड़े हो गए। उस राजा का जो राजकुमार था वो अब राजा बना, वो राजा की भी मृत्यु हो चुकी थी और उस राजकुमार को जो अब राजा बन चुका था उसको मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी ने इतना अत्याचार किया है हमारे राज्य के अलग लोगों पर। तो उसको बड़ा दुख हुआ कि पिताजी ने इतना अत्याचार किया, अब क्या किया जाए, अब इसकी भरपाई कैसे की जाए। तो उसने सोचा कि चलो कम से कम पहला काम ये तो करें कि जिन लोगों को जेल में डाला है उनको तो आजाद करें। तो उसने भेजा अपने सैनिकों को उन तीन भाइयों के पास भी कि तुम्हें आजाद किया जाता है। मगर वो उस जमाने में उस राजा के पास जो जेल हुआ करती थी वो नॉर्मल जेल नहीं होती थी, वो होती थी काल कोठरी। अगर आपने कभी सुना हो काल कोठरी, यानी जहां पर सूरज की रोशनी भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल घना अंधेरा। तो उस काल कोठरी में उनको रखा गया था और कितने साल गुजर गए थे, वो उस काल कोठरी के उस अंधेरे के आदि हो गए थे। तो जब उनको ये बोला गया कि आपको आजाद किया जाता है तो उन्होंने पूछा कि आजाद होकर हम जाएंगे कहां। तो उन्हें बताया गया कि बाहर भी एक दुनिया है, क्योंकि वो बचपन से वहां पर थे, उनको मालूम ही नहीं कि बाहर भी कोई दुनिया है। उनको बताया गया कि बाहर भी एक दुनिया है, बड़ी खूबसूरत दुनिया है, तो आप जाइए और देखिए, और सूरज की रोशनी है, उजाला है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। तो उन्होंने कहा कि भी हमें बाहर की दुनिया के बारे में मालूम नहीं और हमें तो यही ठीक लगता है, हम बाहर की दुनिया में नहीं जाएंगे, हमें डर लगता है बाहर की दुनिया में जाने से। तो उनको बताया गया कि भाई आप उजाला देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। बोले नहीं नहीं, हम रिस्क नहीं लेंगे। तो फिर भी उनको जबरदस्ती कि भाई चलो इनको आजाद तो करना है, तो उनको जबरदस्ती वहां से बाहर निकाला गया। वो काल कोठरी के 7 दरवाजे थे, तो पहले 7वां दरवाजा खुला, फिर 6वां, फिर 5वां, फिर 4था, और फिर आखिरी में जो सबसे आखिरी का दरवाजा था जिसको खोलते ही बाहर सूरज की रोशनी से उनका सामना होना था, जब उसको खोला गया वो बाहर निकले ही नहीं थे अभी कि सूरज की एक किरण उनके ऊपर आई और उसके ऊपर वो बहुत घबरा गए। उसको देखकर वो बड़े बड़े घबरा कर तेजी से भागते हुए वापस, वो 7 दरवाजे पार करते हुए वो वापस अपनी जगह पर पहुंच गया और कहा हमें नहीं जाना है, हमें नहीं जाना। वो नीचे में छुपकर बैठ कर चिल्लाने लगे, नहीं हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो, हमें बाहर नहीं जाना है, हमें रोशनी में नहीं जाना है। अब जब राजा के पास ये खबर पहुंची तो राजा बड़ा परेशान हो गया कि अब इन लोगों का किया क्या जाए, मतलब ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि व्यक्ति रोशनी में नहीं जाना चाहता। तो उसको बड़ा समझ में नहीं आया, काफी दिन सोच विचार में गुजर गए कि आखिर हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या हम कुछ गलती कर रहे हैं उनको आजाद करके, भाई उनको तो हम रोशनी में लाना चाह रहे हैं। उस राज्य में राजा के पास एक विद्वान थे, उस विद्वान ने कहा कि देखिए महाराज, वो अंधेरे के जीव बन चुके हैं, अंधेरे में रहने के आदि हो गए, अब उनको रोशनी की ताकत पता नहीं है, रोशनी की खूबसूरती पता नहीं है, तो आपको धीरे 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 प्रयास करना होगा। तो क्या करना होगा, तो सबसे पहले वहां पर आप रोशनी थोड़ी सी एक दियासलाई जलाइए, कुछ सेकंड्स के लिए जलाइए, वो घबरा जाएंगे मगर कुछ सेकंड में बुझा दीजिए, और रोज धीरे धीरे उसका समय बढ़ाते जाइए धीरे धीरे। तो वैसे ही किया गया, एक दियासलाई जलाई गई 2-3 सेकंड के लिए, अगले दिन फिर 2 सेकंड और बढ़ा दिए गए, धीरे 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 समय को बढ़ाया गया। और जब वो लोग धीरे धीरे रोशनी के आदि होने लगे तो फिर वहां पर एक चिराग जला दिया गया, और जब वो चिराग के आदि हो गए और कई दिनों तक उस रोशनी में रह गए, उसके बाद उनको बाहर सूरज की रोशनी में लाया गया। और जब वो सूरज की रोशनी में आए और उन्होंने उस दुनिया को देखा, इतनी खूबसूरत दुनिया, इतनी प्यारी दुनिया, तो उन्होंने ऊपर हाथ उठाकर ईश्वर को लाख लाख शुक्रिया अदा किया कि हे ईश्वर, आखिर तूने हमें एक खूबसूरत जिंदगी दे ही दी।
तो उनको वो जिंदगी मिली और वो शुक्रगुजार भी बने उस चीज के कि हमें इतनी खूबसूरत जिंदगी मिली, इतनी बढ़िया, भले ठीक है थोड़ा लेट हुआ लेकिन देर आए, कहते ना देर आए मगर दुरुस्त आए। मगर मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस चीज के लिए अब वो इतने ज्यादा खुश थे, उसी चीज को जब पहली बार उन्होंने देखा था, यानी रोशनी का जब पहली बार उन्होंने सामना किया था, तो वो तो घबरा गए थे, वो तो बाहर निकलना ही नहीं चाहते थे, वो तो वापस पीछे भाग गए। क्यों? क्यों? क्योंकि उस अंधेरे में इतने सालों तक वो रहे कि उनको अंधेरे में ही अच्छा लगने लगा, रोशनी से डर लगने लगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो अंधेरे के जीव बन चुके थे। और आप जिन लोगों के पास प्लान शो करने जाते हैं, आप उनको क्या बता रहे हैं कि अगले 2 से 5 साल में अब वो उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं, वो जिंदगी हासिल कर सकते हैं जिसको आप पिछले 20, 30, 40, 50 सालों में हासिल नहीं कर पाए और जिसको शायद आप पूरी जिंदगी में हासिल नहीं कर पाते। तो क्या उनको एकदम से विश्वास हो जाएगा? क्या हो जाना चाहिए एकदम से विश्वास? नहीं होगा, ना होगा ना होना चाहिए। तो आपको भी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन, थोड़ी थोड़ी नॉलेज, थोड़ा उनको किसी मीटिंग में लाना होगा, थोड़ा आपको किसी सफल व्यक्ति से मिलवाना होगा, थोड़ा किसी सफल व्यक्ति का उदाहरण आपको सामने रखना होगा। धीरे, पहले शुरू शुरू में सकता है थोड़ा आपको प्रोडक्ट यूज करवाना पड़ेगा। धीरे 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 आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से और इसके माध्यम से जीवन में जो बदलाव आने वाला है उस चीज से आपको अवगत कराना पड़ेगा। और जब रूबरू होंगे वो इन चीजों से, इनको समझेंगे, तो यकीन मानिए वो भी एक दिन आपके साथ आपके बिजनेस में आएंगे, मेहनत करेंगे, कामयाब होंगे और ईश्वर का और आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने उन्हें और ईश्वर ने उन्हें एक ऐसी शानदार जिंदगी जीने का मौका दिया। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, लोगों को समझाने के लिए थोड़ा पेशेंस, थोड़ा धैर्य की जरूरत है। तो आप कामयाब होंगे, मेरा विश्वास है। हैव ए ग्रेट लाइफ, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।